और हम सब हैं और हमारा दिल्ला भी साथ में रोज़ा खोल रहा है। तो बता दूं कि आप लोगों को कुछ एक छोटा सा सरप्राइज देना था, एक साथी की ज़रूरत थी क्योंकि हाथी तो जंगलों में मिलती है। सो जो साथी मिली है वो ऐसे मिली है माशाल्लाह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ए एच व्लॉग्स। कैसे हैं सारे? ऑल गुड? मे टू गुड हूँ। बट कल आपने देखा होगा कि यार रोज़ा रखने के बाद हमें चक्कर आ गए थे और इस घन चक्कर को देखो क्या मस्ती कर रही है। क्या हो गया? क्या ही बोलूँ इसके बारे में, बहुत मस्ती हो रही है हमारे घर पे। तो बताना चाहता हूँ कि आज है डे टू रमज़ान का, तो जो रोज़ा है हमने रखा हुआ है और आज जो फीलिंग है मैं आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ। जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी फीलिंग है और आज थोड़ा सा हेल्दी फील कर रहा हूँ। हेल्दी मीन्स जो कल चक्कर आ रहे थे वैसा फील नहीं हो रहा है आज, थोड़ा सा मतलब कंट्रोल टाइप फील हो रहा है, कंट्रोल टाइप है सब चीज़ें। सो व्लॉग शुरुआत हो रही है इफ्तारी से और इफ्तारी में आज हम क्या क्या हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको आज अपडेट देना है, तो आज जुड़े रहिए व्लॉग के एंड तक का। तो खैर छोड़ो ये सब, दिखाते हैं इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है। अम्मी जान मेहनत कर रही हैं और मेरे भाई भी मेहनत कर रहे हैं वीडियो निकालने में। सो कैसा लग रहा है अरमान? लग रहा है आज। सो जो रोज़ा रखते हैं उससे धीरे धीरे हमें मतलब आदत हो जाती है रोज़ा रखने में और हम फिर वैसे ही हैबिट फॉलो कर देते हैं 30 डेज के लिए। सो चलते हैं गाइज और दिखाते हैं इफ्तारी आपको। ये खान बाबा को देखो मस्ती कर रहा है। वैसे ये पता है ये गाइस, इसको ना मतलब तरबूज खाने का बहुत शौक है। हमारे घर का गाय ये सब कुछ खा जाता है, वेज सब कुछ खा जाता है। सो अभी चलते हैं अंदर दिखाते हैं। अभी ये सब चालू हो चुका है फल फ्रूट कटना। अस्सलाम वालेकुम। सो यहाँ पर चल रहा है भजिया फ्राई और हमारी अम्मी जान यहाँ पर भजिया फ्राई कर रहे हैं। और आज क्या क्या बनने वाले हैं? हमें तो अभी रोज़ा खोल चुके हैं और अभी रोज़ा खोलने के बाद हम सब खा लेते हैं और हम सब हैं और हमारा दिल्ला भी साथ में रोज़ा खोल रहा है। तो साथ में बाबा हमारे खान बाबा रोज़ा खोल रहे हैं ना बेटा, हमारे खान बाबा, इसका नाम है खान बाबा। क्यों नाम तो सलाम करो। चलो तो रोज़ा खोल लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों। सो गाइस रोज़ा खोल लिया था हमने और रोज़ा खोलने के बाद हम आ गए बाहर। और बाहर क्यों आए सोचो, ज़रा सोचो, अरे आप ही सोचो। तो बता दूं कि आप लोगों को कुछ एक छोटा सा सरप्राइज़ देना था, इसके लिए मैं बाहर आया हूँ। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो मैं लेता रहता हूँ, जो भी चीज़ें परचेज़ करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ से जुड़ चुकी है। अभी एक साथी की ज़रूरत थी
क्योंकि हाथी तो जंगलों में मिलती है और साथी तो बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। सो मुझे एक साथी मिल चुकी है इस रमज़ान में और आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, मतलब शेयर में वो शेयर नहीं कर सकता। सो जो साथी मिली है वो ऐसे मिली है माशाल्लाह। तो जो भी चीज़ है मैं आपको अभी 2 सेकंड में दिखाता हूँ, तो बस देख रहे हो, ये है हमारी साथी। हाथी नहीं है पर साथी है, क्योंकि ये मैंने कुछ एक हफ्ते पहले परचेज किया था। ये है जुपिटर और ये जुपिटर हमारे रमज़ान में काम आ चुका है अभी। और हम लोग को बहुत टाइम से प्लान था बाइक ले या एक्टिवा ले इस तरीके से, और हमने परचेज कर लिया है ये जुपिटर। सो गाइज, मैंने अभी तक के मेरे दोस्तों के गाड़ी का नाम रखा है, नामकरण किया है। सो इस गाड़ी का जो नामकरण है मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा सजेशन दीजिए क्या रखें इस गाड़ी का नाम। तो हम इस गाड़ी का नाम रखेंगे और इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करवाएंगे आने वाले टाइम में। अभी तो ये अच्छा लग रहा है ऐसे ही, बट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाएंगे घर के लिए यूज़ के लिए। ये एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि मतलब एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं, लोकली ये यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही बेटर होता है। एक्टिवा ले लो, जुपिटर ले लो या फिर बाइक भी ले लो, तो एवरेज गाड़ी ले लो जो कि आप एरिया में चला सकते हो उस तरीके से। तो एक छोटा सा सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए, बस और कुछ नहीं। आई होप आपको पसंद आया होगा ये छोटा सा सरप्राइज़। पसंद आया तो लाइक कर देना, बस यही है। मैं दिन में ये शूट कर सकता था बट मेरा ऑफिस रहता है और रमज़ान चल रहा है तो अभी रोज़ा वगैरह चल रहा है, तो आप जानते हैं, बाकी तो आप समझदार हो। मिलते हैं फिर। सो हेलो गाइस, ये है हमारा कुछ मोटो व्लॉग। ये मोटो व्लॉग नहीं है, ये हाथ वाला व्लॉग है, बिकॉज अरमान ने भी पकड़ा हुआ है हाथ से कैमरा और हम लोग इसमें व्लॉग कर रहे हैं। एंड यू कैन चेक दिस आउट गाइस, अंधेरे में। हाँ, सो कुछ इस तरीके से है, बस यहाँ पे पुलिस नहीं पकड़ना चाहिए, बोलेगा कि क्या कर रहे हो बोल के। बस यहाँ का रास्ता नोट मत करना वरना पहुंच जाओगे आप लोग मेरे घर पे। और यार मैं मतलब मोटो व्लॉग करूंगा इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी, ऐसे ही मैं प्लान करके सोच रहा हूँ कि कैसा लगेगा अगर मैं मोटो व्लॉग करूँ। जुपिटर में भी करेंगे तो क्या हो गया है ना अरमान, कर सकते हैं ना, वही प्लान है, देखते हैं इंशाल्लाह। हेलमेट और अपने पास गोप्रो तो है ही, सो कुछ करते हैं प्लान इस तरीके से, और कैसा लग रहा है आपको बताना। और ये मेरा छोटा सा सरप्राइज था आप लोग के लिए, लाइक कर देना क्योंकि आपका भाई अभी बस छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाता रहेगा इस तरीके से, और नहीं भी बनाएगा तो भी आप लोग जुड़े रहना, बिकॉज अपनी एक कम्युनिटी बन गई है। सो मैं तो चाहता हूँ बस, और मेरा भाई इस तरीके से फ़ोन पकड़ेगा तो अपना मोटो ब्लॉग हो जाएगा। सो बस गाइस, एड्रेस नोट मत करना वरना मेरे घर पहुँच जाओगे आप लोग। और ये कुछ ऐसे मोटो ब्लॉग चल रहा है हमारा। चलो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आ जाओ आ जाओ। बहुत बड़ा राइड करके आया ऐसा लग रहा है। सो यू कैन चेक दिस आउट, अरमान ऐसे पकड़ा हुआ था कैमरा। ये दोनों साथ देने आए थे हमारा, और आम्रो तो है ही हमारा साथ में। हाथ दुख गया था तेरा? नहीं, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हाथ रख के चलाएंगे गाइस, मोटो व्लॉग करेंगे हम लोग। सो कैसा लगा आपको बताना, और मोटो व्लॉग कर रहे थे हम। उसका हाथ रहेगा। वो कुत्ता पागल हो गया गाइस, वहाँ पे देख सकते हो, भाग गया। बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस और भी व्लॉग्स बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आगे और भी व्लॉग्स कर सकता था बट बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और भी है कुछ चीज़ें आप लोगों को देना है, बताना है, इन्फॉर्मेशन देना है अपने बारे में कि इतने दिन से कहाँ था और क्या कर रहा हूँ मैं भी। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, लव यू गाइस। मिलते हैं इसी तरीके से अगले ब्लॉग में। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई ब्लॉग। रैपर्स, यहाँ पे रैपर्स हैं। तो बस गाइस, अल्लाह हाफिज़। प्रैंक हो गया मेरे साथ, अच्छा वीडियो बना रहा है। सो चल छोड़ो ये सब, खैर छोड़ो ये सब चलते हैं और इफ्तारी दिखाते हैं आपको कि क्या क्या बन रहा है। सो कैसा लग रहा है अरमान? लग रहा है आज। सो आज मतलब अरमान को रोज़ा नहीं लग रहा, ये अपडेट देना। ये रोज़ा वाला फिट होने में, अगर रोज़ा जैसा फिट हो जाएगा, मतलब जैसे हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखते रखते हम क्या ही बोलते हैं, रखते रखते रख ही देते। तो रोज़ा जो हम रखते हैं और वो रोज़ा हम रख ही लेते हैं।